आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं नवल सुधांशु लखीमपुर खीरी से। इस पेज से आप जुड़िए और शेयर भी कीजिए अधिक से अधिक लोग। आप जानते हैं पूरे विश्व में कैसी स्थितियां बनी हुई हैं, क्या संकट है देश पर। तो उस संकट से पूरा विश्व लड़ रहा है, हम ही नहीं लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है। और जैसा हम जानते हैं कि ये हमारी कुछ नैतिकताएं हैं, कुछ हमारे धर्म हैं जो हमारे पास हैं। तो इस पेज के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, मैं बहुत छोटी इकाई हूँ इस विश्व की, तो इस छोटी सी इकाई में अगर सारे लोग हर एक इकाई मिल जाए तो बहुत बड़ा एक युद्ध जी। भैया रमेश भैया, मैं सच कह रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा हूँ मैं आपको कि नहीं? रमेश शर्मा भैया की उपस्थिति है। शौर्य नमन संस्था जो राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है, उस शौर्य नमन पर जिसके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और विदेशों में भी इसकी पहुँच है और पूरे देश में धीरे धीरे वर्क क्रॉस हो रहा है, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। उसके अध्यक्ष और उसके स्थापक संस्थापक आदरणीय श्री रमेश भैया शर्मा का स्वागत है। और आपका जुड़ना इस जिस पेज पर मैं हूँ उस पेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए तो है ही कि मेरा बड़ा भाई जुड़ा हुआ है। तो आपके समक्ष जो भी स्थितियां हों, सुभाष निकजू, धन्यवाद भैया मैं उपस्थित हूं। आइए 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं जितने इस पेज से जुड़े हैं। बहुत आशीर्वाद देता हूं मैं, ये युवा प्रोत्साहन मंच है राकेश राज के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं आज अपने छोटे भाइयों के लिए उपस्थित हूं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए और उनको आशीर्वाद देने के लिए और बड़े भाइयों से आशीर्वाद लेने के लिए। और 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि जब इस विश्व में इतना संकट चल रहा है तो डॉक्टर जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जनक दुलारी के लिए उन्होंने एक सेतु का निर्माण किया था। ऐसा उदाहरण प्रेम का तो पूरे विश्व में आज तक नहीं है, ना इससे पहले था। यही प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है कि धर्म की स्थापना भी हो, नैतिकता की स्थापना हो, मर्यादाओं की स्थापना हो, यही एक विजय का परिणाम होना चाहिए। एक विजयश्री का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि लाखों सैनिक मारे गए, दूसरे का सिंहासन छीन लिया गया, उसके राजा को मार दिया गया, यह विजय का परिणाम नहीं होता। परिणाम यह होता है कि उस विजय के बाद धर्म की स्थापना हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए किसी भी युद्ध का। श्री राम ने जो युद्ध किया था वो किसी व्यक्तित्व के लिए नहीं किया था, किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने एक स्थापना की थी धर्म की, जिसके लिए उनका अवतार हुआ था। बैजनाथ मरीजान उपस्थित हो, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरे बचपन के मित्र हैं बैजनाथ और मैं साथ में पढ़ा हूँ पब्लिक इंटर कॉलेज ईसानगर में और बहुत मेरे प्रिय मित्र हैं। कुछ एक मित्र जो हैं सहपाठी हैं, उनमें से बहुत प्रिय, सबसे प्रिय मान के चलते हैं ये बैजनाथ वर्मा हैं, जिन्हें बैजू भी कहते हैं। आप सभी उनका स्वागत कीजिए। और राजस्थान में इंजीनियर हैं, इस समय तैनात हैं वहाँ पर। मैं चलिए बात करता हूँ आपसे। मैं कह रहा था कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो स्थापना की थी वो धर्म की स्थापना के लिए उनका प्राकट्य हुआ था इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर उनका प्राकट्य धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, नैतिकता की स्थापना के लिए हुआ था और उनका अवतार हुआ था इसलिए कि पूरे विश्व में मर्यादाओं का एक स्वतंत्र बनाया जा सके। उस स्वतंत्र के लिए उन्होंने युद्ध किया, रावण को पराजित किया और आप जानते हैं कैसे क्या हुआ। उस सेतु के निर्माण में दो वानर थे, नल और नील।
वो उसमें जितने वानर थे वो बहुत विकट थे, कनक भूधराकार शरीरा, वो इतने बड़े बड़े पर्वत उठा के लाते थे, उनको तोड़ देते थे, फिर उनसे पुल बनाया जाता था, पुल बनाने के लिए उसमें पत्थर डाले जाते थे, राम लिखा जाता था, वो पत्थर तैर जाता था। एक गिलहरी थी, एक कहीं संस्मरण आता है कि उसमें गिलहरी आती थी जाती थी बार बार वो, और भगवान श्री राम जब जब भालू वानर सब सहयोग कर रहे थे तो गिलहरी ने भी सोचा कि भगवान इस युग का सर्वे सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, इस युग का क्या, जितने भी युग हैं जितने भी युगाब्दियां उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है और स्वयं नारायण के द्वारा ये कार्य हो रहा है, तो नारायण के द्वारा ये कार्य हो रहा है तो इसमें थोड़ी सी भी अगर परिश्रम की आहुति दे दी जाए, थोड़ा अपना एक समर्पण कर दिया जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती होगी। तो गिलहरी भी उसमें जाकर के जो है भीख क्याती, लौटती और चली जाती, और जहां पर बन रहा था पुल वहां पर लौट के चली आती, फिर आती पत्थरों पर लौट के चली आती, उन पत्थरों के साथ वो कण रुक जाते, चिपक जाते। भगवान श्री रामचंद्र एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए देख रहे थे, ये बहुत पुराना संस्मरण है लेकिन आप सुनिएगा, किसी बड़े लेखक ने लिखा हुआ है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बुलाया गिलहरी रानी को, उनसे पूछा कि आपके इन दो कणों से, दो चार कणों से क्या होगा। तो गिलहरी ने कहा कि प्रभु जब मानव विकास आगे बढ़ेगा, मानव सभ्यता आगे बढ़ेगी और युग बदलेंगे, तो उस समय जब आप कथाओं में होंगे, जब आप मनों में होंगे, जब आप घरों में होंगे, जब आप कहीं गूंज रहे होंगे, उस समय जब ये चर्चा होगी कि सेतु के निर्माण में बल से बलवान बलवानतम वानर उसमें सहायता कर रहे थे सेतु के निर्माण में, उस समय एक छोटी सी गिलहरी भी वहां पर थी, उसने भले ही दो कणों का योगदान किया हो लेकिन उसने योगदान तो किया, तो मेरा भी नाम आपके इस महती कार्य में संलग्न किया जाएगा, इतिहास याद रखेगा। तो ये जो विश्व पे जो डॉक्टर सेतु बना रहे हैं, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो डॉक्टर्स और पुलिस इस समय जो सेतु बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें नवल सुधांशु एक गिलहरी की तरह है, बैजनाथ एक गिलहरी की तरह, रमेश शर्मा भैया एक गिलहरी की तरह है, हम सभी छोटे छोटे लोग हैं, उसमें से अपनी एक एक समर्पण की आहुति दे सकें कि अपने घर में रह सकें, लॉकडाउन का पालन कर सकें, सावधानी रख सकें, तो ये सेतु का निर्माण अवश्य हो जाएगा और हम लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे, यही मेरे कहने का आशय है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, राकेश राज सुनो, तुम उपस्थित रहो जिससे कि न्याय हो सके उस चीज के लिए कि तुमने बुलाया और मैं चला आया। सुनिएगा कि लिखना जब तीर्थ तो तुम चारों धाम लिख देना, मेरे हिस्से में छोटा सा काम लिख देना, मेरा दावा है कि मैं भी तैर जाऊंगा, मेरा दावा है कि मैं भी तैर जाऊंगा, फेंकना पानी में तो मुझ पे राम लिख देना, फेंकना पानी में तो मुझ पे राम लिख देना। चार पंक्तियां और सुनेगा, मैं सुनाता हूं कि दर्द मेरे अपने पर मुस्कुरा रहा हूं, बंद कर लो आंखें मैं दिल में आ रहा हूं, बंद कर लो आंखें मैं दिल में आ रहा हूं, और आपने सजाया है, आपने सजाया है, आपने दुलारा, आपकी मोहब्बत में गीत गा रहा हूं, आपकी मोहब्बत में गीत गा रहा हूं,
और फिर जमीन का चंदन बदन ये हो रहा है, फिर जमीन का चंदन बदन ये हो रहा है, सब्र खो के पागल गगन ये हो रहा है, सब्र खो के पागल गगन ये हो रहा है। और ऐसे बरसा पानी के खिल उठी जवानी, ऐसे बरसा पानी के खिल उठी जवानी, तुमसे गले मिलने का मन ये हो रहा है, तुमसे गले मिलने का मन ये हो रहा है। जय श्री राम। नागवंशी जी बहुत धन्यवाद, और बैजनाथ भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमसे गले मिलने का मन ये हो रहा है। मौसम है जो बसंती सा हाल लग रहा है, ताल का ये पानी बेताल लग रहा है। और आने लगे क्यों भंवरे, आने लगे क्यों भंवरे, मैं तुम्हें बताऊं, कल से तुम्हें 16वां साल लग रहा है, कल से तुम्हें 16वां साल लग रहा है, कल से तुम्हें 16वां साल लग रहा है। चार पंक्तियां और सुनिएगा कि मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से। जितने नए लड़के उपस्थित हैं इस पेज पर सुने, तुमने बैजनाथ बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम सामने बैठ करके सुन रहे हो कि तुमने पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से, ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से। मन से जुड़ जाइएगा, ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से, तुमने पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से, ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से, मेरा तो उससे भी मिलना जुलना है, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से। बाहों में कलियां जब कच्ची लगती हैं, बाहों में कलियां जब कच्ची लगती हैं, तब वो तन मन से ही सच्ची लगती हैं। जैसे इंद्रधनुष लगता है अंबर में, जैसे इंद्रधनुष लगता है अंबर में, यार लड़कियां दूर से अच्छी लगती हैं, यार लड़कियां दूर से अच्छी लगती हैं। पंकज बोंडे भाई और राकेश राज बहुत शुक्रिया, बैजनाथ बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, मेरी पहचान की पंक्तियां हैं। कि हमको देख लाल शर्म से आप क्यों जनाब हो गए। मन से सुनिएगा कि हमको देख लाल शर्म से आप क्यों जनाब हो गए, और हम जवाब ढूंढते रहे, हम जवाब ढूंढते रहे, तुम तो लाजवाब हो गए। हम जवाब ढूंढते रहे, तुम तो लाजवाब हो गए, करवटें बदल
रात भर कलम जोए चली और तुमने होठ से जो छू लिए, तुमने होठ से जो छू लिए खत मेरे गुलाब हो गए, तुमने होठ से जो छू लिए खत मेरे गुलाब हो गए। सुनेगा कि मोहब्बत का मुसाफिर हूँ, जवां धड़कन मेरा घर है, कोई बैठा इन आँखों में तो ये एहसान हम पर है, जमाने की अदाओं में बहुत कुछ भूल बैठा पर, जमाने की अदाओं में बहुत कुछ भूल बैठा पर, नदी को खुद में भर लेना नहीं भूला समंदर है, नदी को खुद में भर लेना नहीं भूला समंदर है। चार पंक्तियां और सुनेगा कि शरारत हो गई कैसे, न तुम जानो न हम जाने। बहुत शुक्रिया भाई मेरे पंकज भाई। कि शरारत हो गई कैसे, न तुम जानो न हम जाने, शिकायत हो गई कैसे न तुम जानो न हम जाने, तुम्हारी उम्र जितनी है हमारी उम्र उतनी है, तुम्हारी उम्र जितनी है हमारी उम्र उतनी है, मोहब्बत हो गई कैसे न तुम जानो न हम जाने, मोहब्बत हो गई कैसे न तुम जानो न हम जाने, मोहब्बत हो गई कैसे न तुम जानो न हम जाने। जलाश्रम जी बहुत शुक्रिया, जलाश्रम नागवंशी जी। और मध्यम भाई अरे क्या बात है, सल्यूट सर, आपकी उपस्थिति हो गई तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मेरा सौभाग्य भी है कि आप उपस्थित हैं, सुनते रहिएगा। कदरदान मेहरबान मध्यम सक्सेना जी आपके समक्ष उपस्थित हैं, आप उनका तहे दिल से स्वागत करिए। कौन नहीं जानता अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं हमारे, और हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, बरेली की शान है। और अब बाकी आप तो उनको जानते ही हैं, पूरा भारत जानता हमको। और सुनिएगा युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मैं गीत पढ़ता हूं, आप सभी सुनिएगा। मध्य भाई उपस्थित हैं तो एक शुद्ध गीत मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंच सकूं, आपके मन तक पहुंच सकूं। सुनेगा, मैंने गीत लिखा था और जिसकी फरमाइश कई मंचों पर हुई पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, चूंकि वो गीत पढ़ते मैं हमेशा भावुक हो जाता था और आप सभी लोगों ने भी नहीं सुना है। मेरे जीवन का एक सत्य रहा है मेरे जीवन में, जब मैं और मेरे दोस्त पढ़ते थे, मैं धर्मसभा इंटर कॉलेज लखीमपुर का पढ़ा हुआ हूँ, लखीमपुर खीरी में एक धर्मसभा इंटर कॉलेज है, RSS का विद्यालय उसमें संबद्ध है, तो मैं उस विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छे संस्कार भी सिखाए गए। लेकिन उसमें मेरा एक दोस्त रहता था, उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मित्र, बहुत दिन के बाद मुझे 2-3-4 साल बाद उसने फ़ोन किया, मुझसे बोला कि नवल भाई आप तो नाम कमा लिए थोड़ा बहुत और मुझे तो कोई जानता नहीं है। लेकिन मैंने कहा कौन बोल रहा, उसने अपना परिचय बताया, बोला मैं सलीम बोल रहा हूँ। मैंने कहा बहुत स्वागत है, सुन लेना थोड़ी देर, वो एक भूमिका है उस गीत की, शायद वो भूमिका के बगैर मैं आपसे जुड़ नहीं सकता, वो हल्का सा हो जाएगा कि वो अपने मन से लिखा होगा, लेकिन एक सच मैं बताता हूँ अपने जीवन का। उस व्यक्ति का फोन आया तो उसने कहा कि इस समय मैं 2-3 एजेंसीज का मालिक हूँ। और तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी पढ़ाई कर ली कि तू 2-3 एजेंसी संभाल रहा है, मतलब इसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती है।
और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत बधाई दी मैंने उसको, कहा बोल मेरे लिए क्या आदेश है। तो बोला तू घर आ जा, मुझसे मिलना है। मैं चला गया, उसने बताया मुझे अपनी बीती बताई, बोला कि एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत सारे मेरे घर के लोग जो है नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ा कष्ट हुआ, ये पहाड़ जैसा संकट था। फिर बोले कि जब सब कुछ समाप्त हो गया तो मैं निराश हो गया और एक लड़की मेरे जीवन में आई, अनुराधा तिवारी जी बहुत धन्यवाद, एक लड़की मेरे जीवन में आई और उसके आने से मेरा जीवन बदल गया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो मैं प्रेम करते बोला मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन न जाने कैसी एक अजीब सी बात उसने मुझसे कही। मुझसे बोला कुछ सुना यार, मेरा मेरे मेरे पर एक गीत लिख, मेरे प्रेम पर एक गीत लिख, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता हूँ, तुम लिख रहे हो तो तुम लिखो, मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। फिर उसने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, जो कुछ भी हूँ, मेरे लोग मेरे बारे में कहा जाने लगा कि ये लड़का ऐसा है जिस चीज़ को छू लेता है उस चीज़ को सोना बना देता है। तो आप जानते हैं कि एक पारस का पत्थर होता है, वो जिस चीज से छू जाता है उसको कहावत है कि वो सोना बन जाता है, स्वर्ण का हो जाता है, एक अद्भुत सा पत्थर होता है, कोई दैवीय पत्थर होता होगा, एक कहावत में आ गया वो पत्थर। तो वो लड़की कहती है कि जो तुम्हारे बारे में लोग कहते, सुनना कितनी प्यारी सी मासूम सी बात कही लेकिन बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहती, प्रेम करते हैं, लेकिन एक अड़चन। उन्होंने कहा क्या? वो लड़की कह रही थी कि तुम जिस चीज को छूते हो वो पत्थर की सोने की हो जाती है, कहीं रास्ते में किसी मोड़ पर तुमने मुझे छू लिया, आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाए और मैं सोने की हो गई, तो तुम प्यार किससे करोगे, जिंदगी किसके साथ बिताओगे। तो मैंने कहा इसमें क्या होता है, बड़ी भावुक बात उसने कर दी। मैं उसमें कहा तूने तो पूरा ग्रंथ लिख दिया इस बात को कहकर। तो मैंने कहा कि ये बड़ी विचित्र बात मेरी समझ में नहीं है। बोला विवाह तो मैंने करना है उसी से। मैंने कहा करना ही पड़ेगा, लेकिन ये बात याद रखना, उसने जो कहा है उसको समझने का प्रयत्न करो, वो कहना क्या चाहती है। वो तो एक सिर्फ बात कह गई, वो जानती है कि विवाह होगा, शादी हो गई, दोनों के बहुत खुश हैं। चार पंक्तियां मैं वहीं से सुनाता हूं आपको, इस गीत की भूमिका में मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। किसी के प्यार का बदनाम अल्हड़पन नहीं बदला, किसी के प्यार का बदनाम अल्हड़पन नहीं बदला, हमारे तुम्हारे प्यार के एहसास में तन मन नहीं बदला। मिली थी कल ही मेले में भरे हाथों रंगे पैरों, मगर मैंने दिया था उसने वो कंगन नहीं बदला, मगर मैंने दिया था उसने वो कंगन नहीं बदला, मगर मैंने दिया था उसने वो कंगन नहीं बदला। अब सुनेगा वो गीत, मन से जुड़ना क्योंकि भावुक कर देने वाला गीत है। कि तुमको बनाकर तुलसी की माला, उस लड़के ने जो उस लड़की को जवाब दिया, जिसने कहा कि तुमने मुझे किसी मोड़ पर मेरी माँ आंखें छलकी और तुमने इस अपने हाथ जो पारस के पत्थर कहे जाते हैं उनसे अगर मेरी आंखों को छू लिया और मैं सोने की हो गई तो तुम प्यार किससे करोगे। बात वहीं पर है। तो उस लड़के ने जवाब दिया, कहा कि सुनो मैं एक ऐसी पवित्रतम स्थिति लेकर के आया हूं कि मैं छूंगा भी तब भी तुम सोने की नहीं होगी, मैं प्यार करूंगा तुमसे। वो क्या उसने बात बताई, उस लड़के की बात मैं आपको सुनाता हूं। कि तुमको बनाकर तुलसी की माला,
तुमको बनाकर तुलसी की माला, अपने गले से लगाता रहूंगा, अपने गले से लगाता रहूंगा। उस लड़के के एक एक जवाब पर आप उपस्थित रहना मन से, कि तुमको बनाकर, सुन लड़की, कि तुमको बनाकर तुलसी की माला, अपने गले से लगाता रहूंगा, कि चुरा कर अमर चांदनी से मैं मेहंदी। कवि गोविंद दांगी जी ऐसे ही सुनिए, मोबाइल सीधा करने से हेडफोन नहीं लग पा रहा है, स्टैंड मेरा जो है ऐसा ही है, कुछ जो वो ट्राइपॉड है वो उसमें गड़बड़ हो रहा है, दिक्कत है कुछ थोड़ी। बस आवाज सुनिए, आप जितना चेहरा दिख रहा है बस उतना देखिए। आपका आने का शुक्रिया, मैं धन्यवाद देता हूं। कि चुरा कर अमर चांदनी से मैं मेहंदी, तेरी हथेली सजाता रहूंगा, तेरी हथेली सजाता रहूंगा, तुमको बनाकर तुलसी की माला, अपने गले से लगाता रहूंगा। बंद सुनना गीत का और जुड़ना जरा। पंकज पांडे जी और महेंद्र सिंह पवार, प्रिया अनुज, बहुत स्वागत है। पहला बंद सुनना, कि जिस जिसको बिचोलू वो हो जाए चंदन। जिस वो लड़का अपनी विवशता बता रहा है, उस लड़की किससे क्या उलाहने दे रहा है, कि जिसको बिचोलू वो हो जाए कंचन, विधाता ने वरदान मुझको दिया है, जिसको बिछूलू वो हो जाए कंचन, विधाता ने वरदान मुझको दिया है, थमा करके हाथों में पारस का पत्थर, मेरा छीन पहले ही सब ले लिया है। एक उसकी जीवनी पढ़ रहा हूं, सब पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन हाथों में पारस का पत्थर थमाना, कि मेरा छीन पहले ही सब ले लिया है, और किसे छू के कंचन, बना दूं बता दे, मैं कुबुत से नजरें चुराता रहूंगा, मैं तेरी हथेली सजाता रहूंगा, मैं तेरी हथेली सजाता रहूंगा। अब सुनना, कि जहां से बिछड़ कर मिले ना मिले हम, ऐसी घड़ी एक उसने बनाई, जहां से बिछड़ कर मिले ना मिले हम, एक ऐसी घड़ी है उसने बनाई, बहारों ने मंडप सजाया है रो के, टूटे सितारों की झालर सजाई, टूटे सितारों की झालर मंगाई। अब सुनना, उतरना जरा धीरे से, कि सभी लोग गाए मनाएंगे मंगल, सभी लोग गाएं
मनाएंगे मंगल, मैं छुप के आंसू बहाता रहूंगा, तेरी हथेली सजाता रहूंगा। अंतिम बंद सुनना इस गीत का, और आदरणीय गोविंद भाई, कोशिश करूंगा कि मैं वो गीत सुना सकूं, लेकिन आप ये गीत सुनिए। मेरी आंख, मेरे जीवन का एक विशेष बंद मैं आपको देता हूं कि मेरी आंख से तुम भी आवाज दो, जैसे तुलसी की आंखों से रत्ना पुकारे। कभी कभी मुझे लगता है कि ये पंक्ति मेरे जीवन की इस गीत की सबसे अच्छी पंक्ति बन गई। कि मेरी आंख से तुम भी आवाज दो, जैसे तुलसी की आंखों से रत्ना पुकारे। एक जोगन हुई प्रेम में बावरी, जैसे मीरा के हाथों से कोई बिकारे, जैसे मीरा के हाथों से कोई बिकारे। कि कन्हैया की मुरली, मीरा के हाथों से कौन बिका था ये आप सब जानते हैं, बिन दाम शाम बिका थे। कि कन्हैया की मुरली बनो होठ छुलो, सुन लड़की। कि कन्हैया की मुरली बनो होठ छुलो, तुम्हें जिंदगी भर बजाता रहूंगा, तुम्हें जिंदगी भर बजाता रहूंगा, कि तुमको बनाकर तुलसी की माला अपनी हथेली सजाता रहूंगा। भाई मुसव्विर फिरोजपुरी, राकेश राज, महेंद्र सिंह पवार, पंकज भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पहचान की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। जो इंदौर ने बहुत पसंद की, मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जिसे इंदौर ने बहुत स्नेह दिया, बहुत मोहब्बत दी, मैं आपको सुनाता हूं। कुछ राम का पढ़ करके मैं आपसे विदा लूंगा, और बस आप ये मोहब्बत बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, समर्थन बना रहे। और मेरा पेज नवल सुधांशु इंग्लिश में आप टाइप करिए, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उस पेज पर मुझे फॉलो करें अगर हो सके तो। ये मेरी दरखास्त है आपसे कि आप सभी लोग जुड़ जाएंगे तो उस पेज से भी मैं लाइव आने वाला हूँ, बहुत सारे बड़े लोगों को आमंत्रित कर सकूँ, आप सबका समर्थन मिले तो उस पेज से भी जुड़िए आप। मेरा नवल सुधांशु के नाम का पेज है, और इस पेज को भी शेयर करिए, इस पेज से भी जुड़िए अधिक से अधिक लोग। आइए मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि राम से राम तक राम अभी राम है, राम क्या है? कि राम से राम तक राम अभी राम है, राम में रम गए धन धरा धाम है, राम ही राम रटते अधर इसलिए, राम ही राम रटते अधर इसलिए, क्योंकि तन मन नयन में रमे राम है, क्योंकि तन मन नयन में रमे राम है, वेदनाएं बिकी मन की बेदाम है, जो न बदले कभी बस ये दो नाम है, जानकी वन में रह कर रही जानकी, जानकी वन में रह कर रही जानकी, राम महलों में रह कर रहे राम है, राम महलों में रह कर
रहे राम है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से जुड़ करके, और कुछ पंक्तियों के साथ मुझे विदा करिए। अगर आप कुछ सुनना चाहते हो, अगर मेरे वीडियोस देखे हों या कुछ पढ़ा हो गीत का, तो मुझे आदेशित कर सकते हैं। और ये वैदेही के बारे में भाई कह रहे थे, और आराधना नाग जी कह रही थी चिट्ठियों के कौन पीले कर दिए हैं, चिट्ठियों के कौन पीले कर दिए हैं, लग्न से बांधा गया है एक मन। वो गीत मुझे शायद वो नहीं है, शायद अगर कोई लोग भेज सको इस पे कॉपी करके वो गीत भेज दीजिए। एक मेरे पेज पर भी पड़ा हुआ है, यहाँ दिख जाएगा किसी के कमेंट बॉक्स में, तो मैं वो गीत पढ़ सकूंगा। अगर आप चूंकि यहाँ से कोई और व्यवस्था नहीं है गीत को देखने की, मैं गीत अक्सर ये जितने साहित्यिक गीत होते हैं उनको मैं याद नहीं कर पाता हूँ, मंची चीज़ें चढ़ी रहती हैं। तो मैं अगर कोई मेरे पेज से जाकर वो गीत उठा करके इस पे पेस्ट कर दे तो मुझे दिखाई पड़ने लगेगा। चिट्ठियों के कौन पीले कर दिए हैं, लग्न से बांधा गया है एक मन। मेरा भी मन है आज पढ़ने का, अगर मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेता हूँ। राकेश राज तुम ऐसा कर सकते हो, वो गीत यहाँ पर पेस्ट कर दो तो मुझे दिखाई पड़ने लगेगा। तो एक मैं शुद्ध आहुति दे करके साहित्य के प्रति मैं यहाँ से विराम दूंगा अपनी आवाज़ को, और फिर मिलूंगा कभी। मध्य प्रदेश तो आना जाना लगा रहता है। गोविंद भाई मैं जरूर कोशिश करता हूं पढ़ने की। तब तक मेरा गीत आप पेज से उठा करके चिट्ठियों के कौन पीले कर दिए, आप जो स्क्रॉल करेंगे तो नीचे है उसको, वहां से टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, मुझे दिखाई पड़ जाए। मैं सुनाता हूँ वैदे ही, तब तक आप सुन लीजिए, थोड़ी देर और आपके मध्य में हूं, सुनेगा। हो सकता है थोड़ा उजाले की प्रॉब्लम हो क्योंकि मुझे उठकर जाना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, लेकिन मेरा जितना भी चेहरा दिखाई पड़ रहा है उतना आप बर्दाश्त कर लीजिए, झेल लीजिए, और बस मेरी आवाज के साथ आप जुड़े रहिए। सुनिए, कि मन मन पे ऐसे है छाए सिया के वचन, मन पे ऐसे है छाए। वैदेही की भूमिका में मुक्तक पढ़ रहा हूं, गोविंद भाई सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब गीत ये सुनाता हूँ आपको थोड़ी देर में, पहले आप वैदे ही सुन लीजिए। कि मन से मन पर है छाए सिया के वचन, वेदना ने भिगाए सिया के वचन, देह केवल रुकी थी प्रजा के लिए, देह केवल रुकी थी प्रजा के लिए, राम को साथ लाए सिया के वचन, राम को साथ लाए सिया के वचन। वह गीत सुनेगा वैदेही। माता सीता बैठी लौकुश उनके समक्ष खेल रहे हैं, और एक प्रश्न उठाते हैं वो वन जो उनके साथ में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं माँ भगवती के चरणों में। उनके प्रश्न हैं इस विश्व से और प्रभु श्री राम से, और कुछ उत्तर भी हैं उसी में। कि विदेह की वैदेही पुकारती है वन से, विदेह की वैदेही पुकारती है वन से, कैसे जाएंगे राम मन से, कैसे जाएंगे राम मन से। पहला बंद सुनेगा। कि प्रेम के सारे अनुबंध सौगंध ले, मेरा श्रृंगार हर पल रहा तेरे बिन, और पीर मानस के पृष्ठों से लिपटी हुई, यूं सुनाई पड़े ना तुम्हें एक दिन। हे राम सुनिए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयन, यही वेदना थी। कि यूं सुनाई पड़े ना तुम्हें एक दिन, यूं सुनाई पड़े ना तुम्हें एक दिन, और आनंद के प्रतीकों को उतारती है तन से, कैसे जाएंगे राम। सुनिएगा। कि जो महल की कथाएं सुनाना थके, बहुत प्यारा गीत है, आप बस सुनते जाइए।
कि जो महल की कथाएं सुनाना थके, हो गए आज निर्धन अधर्मान है, राम बनकर हो राम बनकर, राम बनकर रहे साथ मेरे सदा, वो सदन पूछते रो रहा कौन है, वो सदन पूछते रो रहा कौन है, वो सदन पूछते रो रहा कौन है, और प्राण में त्याग दूं तो कैसे, बांध रखा है तुमने वचन से, कैसे जाएंगे राम मन से, कैसे जाएंगे राम मन से। आखिरी बंद सुनिए और गीत की तरफ ले चलता हूं आपको, कि पारिजातों पे बैठे अमर प्राण भी, मांगते ही नहीं अपना अधिकार। वो त्रेता युग था सतयुग के बाद का, राम की मर्यादा बलिष्ठ थी, राम की, राम ने जो अपनी छाप छोड़ी थी उस युग पर, वही था कि लवकुश, लवकुश थे, राम के पुत्र थे, वो मर्यादाएं लांग नहीं सकते थे, वो सन्यासी थे, अगर उनको बता भी दिया जाता तभी वो अपना अधिकार मांगने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राम राम है, यदि वो जानेंगे तो मेरा अधिकार तो नैसर्गिक है, मांगना क्या उसमें। सुनिएगा मर्यादाओं की एक बड़ी कहानी, कि पारिजातों पे बैठे अमर प्राण भी, मांगते ही नहीं अपना अधिकार है, एक ऋषि की कुटी है भवन साक्ष का, फिर भी माने न माने ये संसार है, फिर भी माने न माने ये संसार है। और लव कुश ने, मेरे मन की सबसे अच्छी पंक्ति सुनेगा, कि लव कुश ने हमसे कहा ही नहीं, लव कुश ने हमसे कहा ही नहीं, राम बहते रहे हैं नयन से, कैसे जाएंगे राम मन से। आप सभी ने बहुत अच्छा सुना, आइए एक गीत पढ़ता हूं, और ये मान लीजिए कि बहुत ही शुभ मुहूर्त का गीत है, आप समझ रहे हैं मैं शुभ मुहूर्त क्या कहना चाह रहा हूं, परिणय सूत्र के बंधने के पहले का गीत है, सुनेगा, भूमिका में एक मुक्तक पढ़ना पड़ता है, सुनेगा। गीत ही सुनेगा, चिट्ठियों के कोन पीले कर दिए हैं, चिट्ठियों के कोन पीले कर दिए हैं, लग्न में बांधा गया है एक मन, चिट्ठियों के कोन पीले कर दिए हैं, लग्न में बांधा गया है एक मन, कंठ पर अधिकार निश्चित हो गया, जो कहोगी तुम मुझे गाना पड़ेगा, बांसुरी संग सांझ जैसा रूप धर, किंतु जमुना तट तुम्हें आना पड़ेगा, और कथ के रति बंध ढीले कर दिए हैं। सुनिए, कि कथ के रति बंध ढीले कर दिए हैं, अक्षरों का अधर से होगा मिलन, चिट्ठियों के निमंत्रण एक शुभ मुहूर्त का, कि चिट्ठियों के कोन पीले कर दिए हैं, लग्न से बांधा गया है एक मन। दूसरा बंद सुनिए, कि त्याग ने यदि नेत्र इच्छा के न खोले, पूर्ण विधि के लेख सारे हो सकेंगे, धैर्य को, पंक्ति सुनिए, कि धैर्य को आखेट पर मत भेजना तब, धैर्य को आखेट पर मत भेजना तब,
स्वर्ण के सब मृग तुम्हारे हो सकेंगे, स्वर्ण के सब मृग तुम्हारे हो सकेंगे। अब सुनिए कि आंसुओं से कोर गीले कर दिए हैं, आंसुओं से कोर नैनों के कोर, आंसुओं से कोर गीले कर दिए हैं, अब वचन को धार बोलेंगे नयन, चिट्ठियों के कोन पीले कर दिए हैं, लग्न से बांधा गया है कुमन। अंतिम बंद सुनिए, मुझे विदा कीजिए। कि हाथ में जब हाथ रख कर जो दिया, वैभवी है उस वचन की मान्यताएं। जो वचन दिया पूरी दुनिया सुनेगी, पूरे जीवन भर के लिए बांध दिया, वो वैभवी है, हर मंडप में वही होता है। कि हाथ में तब हाथ रख कर जो दिया, वैभवी है उस वचन की मान्यताएं। और जब जब ऋतु हमारी, और जब अब ऋतु हमारी हो गई है, तो मिले मेहंदी महावर भीग जाए। लड़कों के पैर में महावर लगाया जाता विवाह से पहले, और लड़कियां मेहंदी सजाती, वो दोनों महावर तो लड़कियां भी लगाती, पैरों में रंग लगाया जाता, लेकिन उसका महत्व तो लड़के के महत्व रंग से ज्यादा नहीं होता उस दिन। उस दिन लड़की के हाथ की मेहंदी का रंग ज्यादा होता है। कि तो मिले मेहंदी महावर भीग जाए, मंत्र दे गीत सुने कि मंत्र दे घन श्याम, आकाश में छाए हुए बादल, कि मंत्र दे घन श्याम सीले कर दिए हैं, मंत्र दे घन श्याम सीले कर दिए हैं, और गंगा के घटों से धुल धुल दिया तन, मंत्र दे घन श्याम सीले कर दिए हैं, और गंगा के घटों से धुल दिया तन, चिट्ठियों के कोन पीले कर दिए हैं, लग्न से बांधा गया है एक मन, लग्न से बांधा गया है एक मन, लग्न से बांधा गया है एक मन। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधेरा हो चला है और मैं थोड़ा बहुत आलसी भी हूँ, तो स्विच नहीं ऑन कर सका, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगली बार मिलूंगा तो बाकायदा पूरी फोकस के साथ, पूरी लाइटिंग के साथ मिलूंगा। आप सभी को जय श्री राम। धर्म के रहिए, मानवता के रहिए, भारत के साथ रहिए, भारत के विरोधियों के साथ ना रहिए। विश्व का कल्याण हो, धर्म की स्थापना हो। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ और एक निवेदन के साथ कि आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मैं चलता हूं, नवल सुधांशु आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। इस पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ें, नौजवान दोस्तों को मौका मिले, मेरे भाइयों को मौका मिले, राकेश राज की ये पहल बहुत आगे तक जाए, और मेरे पेज पर भी आपका आमंत्रण हो। आप सभी आमंत्रित हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, आप इंग्लिश में टाइप करेंगे, 25,000 लोग वहां पर जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत रहेगा उस पेज पर। मैं वहां पर भी लाइव आने वाला हूं कुछ ही दिन में, तो आप सब वहां उपस्थित रहें। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, बहुत धन्यवाद।